नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर्स का। आज का हमारा रिव्यू का टॉपिक है एक्साइट का इन्वर्टर। एक्साइट का ये 1450 VA का सिंगल बैटरी इन्वर्टर है। ये फुल्ली साइन वेव इन्वर्टर है जिसे आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि यह है कि सिंगल बैटरी 12 वोल्ट का ये सिस्टम है। इसका मतलब यह है कि इसमें सिर्फ एक बैटरी लगता है और सिर्फ एक बैटरी से ये 1450 VA का ये आपको पावर आउटपुट देता है। इस रिव्यू पे आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप लाइक करें। लाइक के बटन नीचे दिया हुआ है। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के वीडियोस और ज़्यादा आपको देखने के लिए मिले, और जो इंटरनेट में बाकी के जो वीडियोस रखते हैं इस तरह के रिलेटेड टॉपिक्स पे वो इनडेप्थ नहीं होता है और अच्छा से वो कवरेज नहीं करती है, तो उस तरह के वीडियोस ताकि आगे ना जाए इसलिए ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन इस वीडियो को दें और इसे सपोर्ट करें। तो इस रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। तो ये एक एक्साइट का इन्वर्टर है। इस तरह के जो दूसरे इन्वर्टर्स मार्केट में है, आप माइक्रोटेक के भी देख सकते हैं या दूसरे कंपनीज की भी है, उसमें कंपैरेटिवली डिफरेंस ये आता है कि ये जो इन्वर्टर है ये आपको 1450 VA का सिंगल बैटरी इन्वर्टर है। बहुत समय आप देखिए कि जहाँ वो 1400 के ऊपर जाने लगती है तो वो डबल बैटरी सिस्टम आ जाता है, लेकिन इसमें साफ साफ ये है कि ये सिंगल बैटरी है। तो एक ही बैटरी का आपका खर्चा होगा और उसी पर ये आपको आउटपुट मिलेगा। एक्साइट के जो बैटरीज होते हैं वो यूजुअली जो इन्वर्ट ट्यूबुलर रेंज का आता है वो 230 AH तक का मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो वो एक ही बैटरी सफिशिएंट होता है। अगर उसी का 150 AH के साथ कंपेयर करें तो उसमें सफिशिएंट बैटरी का उसमें स्टोरेज रहता है कि बहुत लंबी बैकअप आपको दे सके, और ये साथ ही उसी सिंगल एक बैटरी से ये 1450 VA जो कि करीब करीब 1100-1200 वाट के आसपास आती है, जो एक समय पे अगर आप कंपेयर करें तो एक समय पे 12 पंखा चला सकती है आपका बिना किसी तरह का किसी भी दिक्कत के। 12 पंखा यानी कि अगर इसको अच्छा से डिवाइड करें तो आपके कुछ कंप्यूटर्स, कुछ लैपटॉप, कुछ ट्यूब, आप बल्ब वगैरह सारी चीज़ इसमें चला सकेंगे और आराम से 1200 वाट के अंदर आपका एक या दो जो सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी घर रहता है उसको भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हम पहले क्लियर कर देते हैं कि इसमें ये आप सोलर इन्वर्टर नहीं है, मतलब इसको आप सोलर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर आप कभी सोलर प्लेट ले और आप चाहेंगे कि ये इन्वर्टर से आप इसका एक ऑन ग्रिड सिस्टम, आप ऑफ ग्रिड सिस्टम आप सेटअप करना चाहते हैं तो वो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वो ऑप्शन नहीं है कि इसमें जो जो एक्स्ट्रा चार्ज जो सोलर प्लेट बनाती है वो आपको ग्रिड को वापस आप दे दे, वो ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं है। ये इसके इसी तरह के रेंज में ये 8100 का इन्वर्टर है। उस रेंज में आप जाइएगा तो दूसरे इन्वर्टर्स में वो फैसिलिटी हो सकती है, पर उसमें फिर ये ऑप्शन होगा कि ये जो VA है ये घट जाएगा। तो इस VA रेंज में और ये सिंगल बैटरी सिस्टम में एक्साइट का यही एक मॉडल है जो इसमें सारी चीज़ों में ये आता है। इसमें सोलर का ऑप्शन नहीं होता है और कुछ छोटे मोटे फीचर्स और आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट के साथ कंपेयर, माइक्रोटेक के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे कुछ मिसिंग रहती है। जैसे एक माइक्रोटेक के इन्वर्टर में एक आता है एक हाई चार्जिंग का ऑप्शन रहता है, जिसमें अगर बैटरी आपका बहुत अधिक लो हो जाती है तो उसे अगर आप उठाना चाह रहे हैं चार्ज में और आसानी से वो चार्ज नहीं कैच कर पा रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शन रहती है इन्वर्टर के पीछे में, तो उसमें एक ऑप्शन रहता है जिसमें चार्जिंग को अगर आप हाई कर देते हैं तो वो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो आपको वो कंपेरेटिवली वो ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलता है। लेकिन इसका चार्जिंग वैसे काफ़ी हाई है तो आपको जनरली उस ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और वैसे भी अगर बहुत लो बैटरी हो जाती है तो उसके बाद फिर आपको कंपनी को ही देख के उसको दोबारा चार्ज कराना पड़ता है। तो वो ऑप्शन हम आपको माइक्रोटेक का हाइब्रिड इन्वर्टर में जो वो ऑप्शन बिल्ट रहता है वो हम आपको शो करेंगे कहाँ पे रहता है, इसमें नहीं है वो भी हम शो कर देंगे। कुछ पॉइंट्स और है। सबसे पहले तो ये एक साइन वेव इन्वर्टर है, ये एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। काफ़ी बार आप देखेंगे रिलेटेड जो दूसरे इन्वर्टर्स रहते हैं इस रेंज में उसमें आपको ऑप्शन मिलता है 1400 VA तक के, आपको शायद ऑप्शन माइक्रोटेक में मिल जाए पर वो साइन वेव नहीं होता है, वो नॉर्मल जो स्क्वायर वेव आती है वो रहती है। साइन वेव में बेनिफिट ये है
कि इसमें आपका जो आउटपुट है, जो वोल्टेज आपको आउटपुट मिलती है वो बेटर होती है, वो प्यूरिफाइड होती है, जिससे आपके जो अप्लायंसेस चल रहे हैं, पंखे, ट्यूब, वो अच्छे रहते हैं, बेटर चलते हैं। तो ये प्योर साइन वेव में ये ऑप्शन है। इसके साथ ही इसमें कंपनी की तरफ से 24 मंथ्स की वारंटी दी जाती है, जो कि नॉर्मली दूसरे इन्वर्टर पे आपको 1 साल की वारंटी रहती है, इसमें 24 मंथ्स की है। ये एक्साइट का इन्वर्टर है, आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है। माइक्रोटेक का एक इन्वर्टर आता है, जो जिसे साइन वेव हाइब्रिड हाइब्रिड इन्वर्टर बोला जाता है। वो करीब 1125 VA का रहता है, जिसमें से करीब 800 से 850 वाट तक का आप उस पर कंजम्पशन दे सकते हैं। आप फ्रंट वीडियो में देखे होंगे, वो भी एक हमारे पास है और उसे हम लोग काफ़ी साल से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उस इन्वर्टर में क्या है कि उसका चार्जिंग थोड़ी सी इससे स्लो रहती है। उसमें एक फास्ट चार्जिंग का एडिशनल ऑप्शन है, जिसे हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते हैं, पर वो दिया हुआ है। और कोई वैसा ज़रूरी नहीं है कि आप फास्ट चार्जिंग करें, हम लोग नॉर्मल चार्जिंग पे ही कंपेयर कर रहे हैं। और नॉर्मल चार्जिंग में जनरली बैटरी का लाइफ ज़्यादा रहता है, और उसका नॉर्मल चार्जिंग इससे कम से कम स्लो है। और उसमें आप 800 850 वाट तक का लोड देंगे तो उसके बाद वो बीप करना शुरू कर देती है, उसका वो मैक्सिमम रेंज है। उसके कंपैरिजन में इस पर कम से कम 1200 वाट तक का हम लोग लोड दिए हैं, 1100-1200 वाट तक का लोड ये आराम से हैंडल कर लेती है। तो कंपैरेटिवली ये माइक्रोटेक का जो हाइब्रिड इन्वर्टर है 1125 VA का, या उसका जो साइन वेव इन्वर्टर है उससे भी कम, 1100 VA का, या उस रेंज में जो भी दूसरे इन्वर्टर्स आते हैं उस सब के कंपैरिजन में ये बेटर है। ये कंपैरिजन टेस्ट हम किए हैं, ये चेक करके कितने वोल्ट तक हम उस पर लोड दे पा रहे हैं, कितना वाट का लोड दे पा रहे हैं। तो अभी तक जितना भी हमने टेस्ट किया है, इसका सब जो लोडिंग जितना ये कवरेज आपको देती है, जितना वाट का लोड ये हैंडल करती है, वो दूसरे कोई भी इन्वर्टर कम से कम ये डबल ये सिंगल बैटरी में 12 वोल्ट में इससे ज़्यादा कोई नहीं करती है। और इसमें एक साथ ही में एक फ्रंट में आपको एक एलईडी पैनल मिल जाता है, जिसमें आपको कितना वोल्टेज ये शो कर रही है, वो इसमें आपकी जो बैटरी है वो क्या चार्ज ले रही है वो इसमें शो करती है। साथ ही कितना वोल्ट आ रहा है, जो जनरली जो घर में करंट रहती है 180 से लेके 220-230 वोल्ट तक रहती है, तो वो शो यहाँ पे कर देती है। कोई बैटरी में अगर कुछ फॉल्ट है तो चार्ज उठाएगी नहीं। नॉर्मली चार्ज बैटरी का 12.4 वोल्ट रहता है, तो ये अप्रॉक्स वही 13 वोल्ट के आसपास ये शो करती है, क्योंकि चार्ज में चार्ज अप डाउन रहता है, कभी डिस्चार्ज होती है फिर चार्ज होती है, तो आपको मोटा मोटी 13 के आसपास इसमें वोल्ट इसमें शो करता है। वैसे तो ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, पर क्योंकि ये इन्वर्टर बहुत हैवी है, इसलिए पहले ही एक्साइट के इंजीनियर से हम लोग इसको इंस्टॉल करा चुके हैं, जैसा कि आप फ्रंट वीडियो में देखे हैं
कि किस तरह से ये लगा हुआ है। ये काफ़ी हैवी है, आप खुद से इसको हिलाएंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन एक आदमी इसको आराम से कैरी कर सकता है और इसको इंस्टॉल कर सकता है। एक साइड की तरफ से डिलीवरी, इंस्टॉलेशन, ये सब यूजुअली फ्री रहता है। और कुछ क्वेश्चंस जनरली रहता है तो उसको भी हम यहाँ पे कैश कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे यूज़ करते हुए सिर्फ 2-3 दिन ही हुई है, ये एक फर्स्ट इम्प्रेशन रिव्यू है। इसके बाद एक 30 डे रिव्यू हम लोग देंगे, 30 दिन यूज़ करने के बाद कैसा रहता है। हमारा चैनल पे ये एक रेगुलर रहता है, तो इस तरह की वीडियोस आगे आएंगे, तो उसके लिए आप याद करके सब्सक्राइब करें, तब आप इसको इसका फॉलो अप वीडियोस आप देख पाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें जनरली रहता है, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन हम आज होल्ड कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये रहता है कि क्या आप इस पर मोटर चला सकते हैं। मेरा 0.5 HP का टुलू पंप है, 1 HP का समरसेबल है, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। तो जनरली आप वो सब इस पर नहीं चला सकते हैं, क्योंकि सारे इक्विपमेंट का एक स्टार्टअप करंट होता है जो काफ़ी हाई होता है, जो कि 2000-3000 वाट के आसपास होता है। तो स्टार्टअप करंट इन्वर्टर जनरली होल्ड नहीं कर पाता है। तो आपको लगेगा कि 500 वाट का टुलू पंप है तो वो क्यों नहीं चल सकता है, जबकि 1200 वाट का इसका आउटपुट है। तो 500 वाट का टुलू पंप भी कम से कम 2-2500 का वो स्टार्टअप करंट लेती है, तो इसीलिए उस पर चलाना थोड़ा मुश्किल रहता है। पर इसके अलावा आपके जो घर के बाकी के चीज है, जो नॉर्मल यूजेज के लिए है, पंखा हो गया या फिर इवन कूलर भी हो गया, टीवी हो गया, ये सब सारी चीज़ इसमें बहुत आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। जनरली कूलर का 300 से 500 वाट का वो उसका कंजम्पशन रहता है, टीवी का उससे काफ़ी कम रहता है, तो ये सब सारी चीज़ें चल जाती है। और उसके साथ काफ़ी सारे पंखे, बल्ब, ट्यूब सारे चल सकते हैं। तो ये 1200 है, 1200 वाट का मतलब है कि काफ़ी सारे इक्विपमेंट आपका एक साथ साइमल्टेनियसली आप चला सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये था एक्साइड का इन्वर्टर का फुल रिव्यू। इसमें हम लोग आज, ये करीब 2-3 दिन हुआ है हमें यूज़ करते हुए, इसमें हम लोग एक एक्साइड का ही एक टॉल ट्यूबलर, जिसका फ्रंट वीडियो में जिसको आप देखे होंगे, उस बैटरी को फुल्ली हमने डिस्चार्ज किया था, और उसके बाद उसको फुल्ली हमने चार्ज किया इसी इन्वर्टर पे, और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। तो कंपैटिबिलिटी की कोई इशू नहीं है, और जो हमारा जो ट्यूबलर एक्साइड की बैटरी है वो 230 AH की है, तो उससे काफ़ी लंबी हमें बैकअप भी मिली, काफ़ी हमने उस पर लोड भी दिया, उसमें करीब 3-4 कंप्यूटर, कुछ पंखे, कुछ बल्ब चला के हम लोग उसको फुल्ली डिस्चार्ज किए, और इसमें 4-5 घंटा का समय भी लगा, तो एक बढ़िया बैकअप भी इसमें मिला, और बहुत तेज़ी से ये जो इन्वर्टर है उसको फिर से उसको चार्ज भी कर दिया, तो वो दोबारा फुल चार्ज हो गई है। तो इसीलिए एक हम लोग कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लिए हैं कि ये एक्साइट का ट्यूबलर जो बैटरी है उसके साथ एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये दे रही है। और उसी सेम ट्यूबलर बैटरी पे हम लोग आगे एक, इससे पहले जो थी माइक्रोटेक के एक हाइब्रिड इन्वर्टर को भी हमने टेस्ट किया था, तो उसके साथ भी हम लोग देखे हैं, तो उससे बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा ही स्पीड में चार्ज करती है, और बैकअप भी हमें काफ़ी उससे लंबा मिला है। तो इस रिव्यू के लिए आज के लिए इतना ही। एक 30 डे यूजेज के बाद एक और एक फॉलो अप रिव्यू आएगी, तो उसे भी आप देखें, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। ये एक बहुत अच्छी इन्वर्टर है, और अभी ये इन्वर्टर ऑनलाइन अवेलेबल भी नहीं है। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहें तो इसमें आपको 12 वोल्ट नहीं, उसमें आपको 24 वोल्ट शो कर रही है, क्योंकि अभी ये मॉडल बहुत नई है और ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट प्लेस में अवेलेबल भी नहीं है, इसे हमने ऑफलाइन खरीदा है। तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो को आप फर्दर व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, अपना फ्रेंड्स को बताएं। एक बढ़िया मॉडल है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा चल रहा है। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।